नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कांग्रेस के बाद जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसकी वजह से अकेले पड़ जाते हैं, और एक बार फिर से नीतीश कुमार अकेले हैं। तेजस्वी यादव ने तो समर्थन किया है, लेकिन उनके कई विधायकों ने तेजस्वी के समर्थन को नकारा भी है। उन लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार के दबाव में भले ही ये फैसला लिया जा रहा हो, लेकिन ये फैसला सरासर सही नहीं है। बात की जाए तो बिहार में जहरीली शराब कांड का प्रकोप, या उसे ऐसे कह लें कि जहरीली शराब कांड में लोगों की जो घटनाएं हैं, जो लोग मर रहे हैं, वो बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे में कांग्रेस ने कमेटी बनाई है, जो कमेटी जांच करेगी और पता करेगी कि आखिर ये घटना हुई कैसे, इस घटना के पीछे कौन कौन से लोग हैं, और इस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट कांग्रेस के आलाकमान को दिया जाएगा। कांग्रेस कमेटी छपरा पहुंचेगी, परिजनों से मुलाकात करेगी, परिजनों की समस्याओं को भी सुनेगी। लेकिन इसी बीच जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है। शराबबंदी पर पहली बार जीतन राम मांझी ने ही विरोध किया था। शराबबंदी पर पहली बार जीतन राम मांझी ने ही नीतीश कुमार के फैसलों को चुनौती दी थी, और अब इस मामले में पहली बार जीतन राम मांझी बोल रहे हैं। सभी पार्टियों ने बयानबाजी की, सभी पार्टियों का बयान सामने आया, लेकिन मांझी का बयान अब आया है, और मांझी ने बोला है तो ठोक बजाकर नीतीश कुमार को साफ साफ संदेश दे दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस हो, वाम दल हो, सभी लोग मांग कर रहे हैं कि जो लोग मरे हैं उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। तो ऐसे में जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है, और मांझी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी हो या किसी की भी सरकार हो, शराबबंदी में हताहत जो लोग हो रहे हैं उन्हें तो मिलना ही चाहिए। 2016 में जब मिला है तो इस बार क्यों नहीं मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में जीतन राम मांझी ने सहयोग किया है भाजपा का, और अब कांग्रेस के बाद मांझी ने बड़ा बम फोड़ दिया है नीतीश कुमार पर, और कहा है कि 2016 के तर्ज पर दिया जाना चाहिए और हर हाल में दिया जाना चाहिए। शराबबंदी को लेकर जीतन राम मांझी की राय पहले भी स्पष्ट है, और अब जो उन्होंने बयान दिया है वो तो एक विस्फोटक बयान है, और मांझी के बयान के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले दिनों में शराब कांड में मुआवजा लोगों को जीतन राम मांझी दिलाकर ही रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।